जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के अक्टूबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं मीन राशि वालों के। सबसे पहले प्रेम संबंध की बात करेंगे। प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का गोचर पूरे महीने में सभी राशियों में हो जाएगा। आपके राशि स्वामी गुरु हैं, जिनका गोचर आपकी राशि में ही है और उनकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है और नवम दृष्टि नवम भाव पर है। और जो शनि देव हैं, जो कि आपके आय भाव के स्वामी हैं और बारहवें भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर आय भाव में ही है, यानी मकर राशि में ही है, पूरे महीने यहीं पर है और उनकी जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर पूरे महीने रहेगी। तो गुरु और शनि की जो दृष्टियां हैं वो पूरे महीने पंचम भाव पर बनी रहेंगी। तो प्रेम संबंधों में इस बात को आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि इस समय पर आप अपने प्रेम संबंधों में कोई बड़े फैसले ले सकते हैं। यानी जिनके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और अगर उन प्रेम संबंधों को आप विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो ये महीना अच्छा है, जब आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपका साथी मान नहीं रहा था, आपके परिवार वाले नहीं मान रहे थे, तो आप इस समय प्रयास करें, आपको अवश्य ही सफलता मिल सकती है। अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है मीन राशि वालों के लिए इस कार्य के लिए कि आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदल सकें। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। तो प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए अच्छा समय है। बाड़ी पर संयम लेकिन जरूर रखना होगा, क्योंकि बाड़ी के भाव में राहु का गोचर है तो गलत फहमियाँ पीछा नहीं छोड़ेंगी। गलत फहमियाँ हो सकती हैं, वाद विवाद हो सकता है, शंकाएँ हो सकती हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। थोड़ा इनसे अगर दूरी बनाकर रखेंगे तो आपकी बातचीत बन सकती है, यानी आप कामयाब हो सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है और प्रेम संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। अक्टूबर के महीने में प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहाँ पर बनी हुई है, जो कि आपके राशि स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी भी हैं, तो वहाँ पर आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आपके एक से ज़्यादा जगह कहीं प्रेम संबंध हैं तो इस समय पर वो प्रेम संबंध आपके उजागर हो सकते हैं, यानी कि आपके साथी को पता चल सकते हैं और फिर वाद विवाद हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। वाणी पर संयम रखेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं और उनका गोचर 16 अक्टूबर तक वृषभ राशि यानी तीसरे भाव में बना हुआ है और उसके बाद वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि चौथे भाव में गोचर करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि क्रोध से आपको जरूर ही बचना होगा। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, उनकी तलाश अवश्य ही पूरी हो सकती है इस महीने। आपके पास इस समय कोई ना कोई साथी जीवन में आ सकता है, यानी अगर आपके किसी से मित्रवत संबंध हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, समय अच्छा है। लेकिन दो बातें आपको ध्यान रखकर चलनी होंगी। तीसरे भाव में मंगल का गोचर आप में थोड़ा सा अहम पैदा कर सकता है, क्रोध पैदा कर सकता है, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। आप ज़्यादा साहसी हो सकते हैं, इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखकर आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा और गलत फहमियाँ नहीं होने देंगे, क्योंकि दूसरे भाव में बाड़ी के भाव में राहु का गोचर है तो यहाँ पर आपको गलत फहमियाँ और बाड़ी पर नियंत्रण अवश्य ही रखना होगा और क्रोध से भी बचना होगा, तभी आपकी साथी की तलाश इस महीने पूरी हो पाएगी। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई वाद विवाद कुछ दिनों से चल रहा है और आप उस वाद विवाद को सुलझाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं, आपके वाद विवाद सुलझ सकते हैं। और उसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा समय जो है वो आपका 18 अक्टूबर तक का है, क्योंकि शुक्रदेव जो हैं आपके जो तीसरे भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर 18 अक्टूबर से तुला राशि में होगा। स्वराशि के होंगे लेकिन अष्टम भाव में होंगे, तो वहाँ पर गोचर में वैसे शुक्रदेव अच्छे परिणाम देते हैं अष्टम भाव में, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में शुक्रदेव होंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा वाद विवाद बढ़ सकता है, पुरानी गलत फहमियाँ बढ़ सकती हैं, क्योंकि केतु भी साथ में होंगे। तो वहाँ पर केतु के साथ में गोचर होने से आपके प्रेम संबंधों में
वाद विवाद जो आपका चल रहा है वहाँ पर अगर वाद विवाद सुलझे ऐसा थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि रुकावटें पैदा होंगी। इसलिए अगर आपका कोई भी वाद विवाद आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ चल रहा है तो आप प्रयास करें कि 18 अक्टूबर से पहले अपने उस वाद विवाद को सुलझा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि 18 अक्टूबर के बाद भी आपको सामान्य परिणाम मिलते रहेंगे, पूरा महीना सामान्य परिणाम दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वाद विवाद भी सुलझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा समय जो है वो 18 अक्टूबर तक का है, इस बात का आप ध्यान रख कर चलें। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि अपने वाद विवाद को जब सुलझाते हैं तो वहाँ पर तीसरे व्यक्ति की एंट्री ना दें, तो यही आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, कन्या राशि है, और बुध का गोचर अक्टूबर के महीने में 26 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही है। यानी सिर्फ अगर हम देखें तो 5 से 6 दिन जो होंगे वो वहाँ पर अष्टम भाव में गोचर होगा बुध का। तो बुध का अष्टम भाव में गोचर भी आपको बहुत बुरे परिणाम नहीं देगा, अच्छे परिणाम देता है, लेकिन वहाँ पर केतु भी हैं, तो 26 अक्टूबर तक का जो समय है वैवाहिक संबंधों के लिए ज़्यादा बेहतर है। 26 अक्टूबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है, यानी कि पूरा महीना लगभग आपका बेहतर ही रहने वाला है, वैवाहिक संबंध अच्छे रहने वाले हैं, जीवनसाथी के साथ संबंधों में काफ़ी मधुरता भी रहने वाली है, और जीवनसाथी के साथ अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप सुलझा सकते हैं। 26 अक्टूबर तक आप अपने वाद विवाद को सुलझा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी बराबर पूरे महीने सप्तम भाव पर बनी हुई है। इसलिए वैवाहिक संबंध आपके अच्छे ही रहने वाले हैं, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे ही रहने वाले हैं, लेकिन वाद विवाद को अगर आप 26 अक्टूबर तक सुलझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जीवन साथी के साथ समय भी इस महीने आप गुजारेंगे, जीवन साथी के साथ कहीं आना जाना भी आपका हो सकता है, और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी, भरोसा बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ विश्वास बढ़ेगा, यानी वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवन साथी के साथ अगर कोई वाद विवाद है तो वो भी सुलझेंगे, और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ इस समय बातचीत करते वक्त इस बात का ध्यान रखकर आपको अवश्य ही चलना होगा कि वहां पर आपको अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखना होगा। केतु का गोचर अष्टम भाव में है और राहु का गोचर आपके वाणी के भाव में है, इसलिए जब भी आप ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करें तो अपनी वाणी पर संयमित होकर बातचीत करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं और साथी की तलाश में हैं, यानी चाहते हैं कोई मनपसंद रिश्ता आए उनके जीवन में, बातचीत बने और उनका विवाह पक्का हो, तो ऐसे लोगों के लिए कोई रिश्ते आ सकते हैं और मनपसंद साथी भी मिल सकता है। अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपकी विवाह की कोई बातचीत चल रही है और कुछ बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है तो आप प्रयास करें, अक्टूबर के महीने में आपको सफलता मिल सकती है। यहाँ पर वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा महीना ये जाने वाला है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं वैवाहिक संबंधों में और प्रेम संबंधों में। बस आपको अपनी वाणी पर संयमित होना है और गलतफहमियों से बचकर चलना है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें, रोजाना करें, बहुत अच्छा रहेगा। रोजाना ना कर सकें तो सोमवार को अवश्य करें, और कभी कभी दूध भी अर्पित करें, सोमवार को ही करें, तो इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा उपासना आप करेंगे, उनको बूंदी का प्रसाद चढ़ाएंगे, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।